मित्रों, कभी भी गुप्त खजाना हर किसी को नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत में अचानक अपार धन प्राप्त करने के योग होते हैं, वही केवल गुप्त खजाना प्राप्त कर सकता है। और मित्रों, धन लाभ होने से पहले व्यक्ति को कई सारे इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं, कई सारे उसको संकेत प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना तो लदा होना एक सामान्य सी बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उस जमाने में और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। भारत देश के मंदिरों में टन की संख्या में सोना रखा रहता था, क्विंटल में नहीं बल्कि टन के अंदर। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों सालों की लूट के बावजूद भी आज भारत में कई टन सोना, चांदी और जेवरात के साथ ही गिन्निया आदि सभी गड़े हो सकते हैं। और आपने कई बार पेपर में, न्यूज पेपर में, समाचारों में, खबरों में देखा होगा, कई लोगों के मुख्य वाणी से सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को जमीन में गड़े हुए इतने कलश मिले, किसी को इतनी स्वर्ण मुद्राएं मिली, किसी को सोने की मूर्तियां मिली, किसी को तलवारें, धारदार हथियार भी सोने के ही जमीन में गड़े हुए मिले। कई बार मकान की नीम की खुदाई होती है, उसमें भी खजाना मिल जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब पुराने जमाने में अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, वो राजा महाराजाओं को लूट रहे थे, उस समय जहाँ पर भी मौका मिला वहाँ पर खजाने को जमीन में छुपा दिया गया, उसको दबा दिया गया। और मित्रों, जिसकी किस्मत बलवान होती है उसको जमीन में गड़ा हुआ गुप्त खजाना भी प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर किसी को भी जमीन में गुप्त खजाना गड़ा हुआ मिलता है ना, उससे पहले उसको क्या संकेत मिलते हैं, क्या इशारे मिलते हैं। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब वाला बटन दिया गया होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें ना, तो उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं मित्रों, जमीन में गड़ा हुआ खजाना या गुप्त खजाना, गड़ा हुआ धन मिलने से पहले व्यक्ति को क्या क्या ऐसे संकेत मिलते हैं, क्या क्या ऐसे इशारे मिलते हैं। और उसके बाद यह भी जानेंगे कि अगर आपको यह संकेत नजर आ रहे हैं या कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि वह जो खजाना है ना, वो आपको हासिल हो जाए। मित्रों, सबसे पहले तो धार्मिक शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर बाज, कौवा, बगुला और अन्य बहुत सारे पक्षी एक ही साथ बहुतायात में बैठते हैं ना, तो वहां पर अपार धन संपदा होने की संभावना प्रबलता के साथ रहती है। उसके अलावा किसी जगह पर बहुत सारे पेड़ हो, लेकिन उनमें से किसी एक पेड़ के ऊपर बाज और कबूतर, इन दोनों के बीच दोस्तों दुश्मनी होती है, कबूतर बाज का शिकार करता है, कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन किसी जगह पर बाज और कबूतर दोनों एक साथ अगर बैठे हो ना, तो ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर निश्चित ही उस भूमि में धन का छिपा होने का योग रहेगा। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण संकेत की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके विवाह में दिक्कत हो रही है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता,
बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों सपने में प्राप्त होने वाले कुछ ऐसे संकेत या रहस्यों के बारे में। दोस्तों रात में सपने में कुआं देखना भी गड़ा खजाना मिलने का एक संकेत माना जाता है। अगर जमीन में छुपा खजाना आपको मिलने वाला है तो अक्सर आपको सपने में कोई भी गड्ढा छोटा कुआं या खाई दिखने लगेगी। जमीन में छुपा खजाना अक्सर साफ दिल वाले लोगों को ही मिलता है या उन लोगों को मिलता है जिनके मन में कोई भी छल कपट या द्वेष की भावना नहीं होती है। उसके अलावा कुछ लोगों को पितृ देवता का इष्ट भी होता है। ऐसे में इन लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं और उन लोगों को गड़ा धन या खजाना अचानक मिल जाता है या दोस्तों उनको धीरे धीरे महसूस होने लगता है। उसके अलावा कुछ ऐसे खास लोग भी होते हैं जिनको गड़ा धन या गड़ा खजाना महसूस हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जो पेड़ की तरफ से जन्म लेते हैं, यानी कि जिनके जन्म के समय पहले सिर बाहर न आते हुए पेड़ बाहर आते हो। जब भी दोस्तों किसी बच्चे का जन्म होता है ना माता की गर्भ से, तो पहले क्या होता है ना कि सिर बाहर आता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सिर की जगह पर पेड़ बाहर निकलते हैं, उनको भी गड़ा हुआ धन या खजाना जो दोस्तों बहुत ही जल्द महसूस हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे होते हैं या जिनके पूर्वज उनके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको ये पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा की विधि भी होती है। और वहीं कई जगहों पर तो यह भी कहा गया है कि किस्मत में अगर गड़ा हुआ धन लिखा है ना तो वह कहीं पर भी होगा खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ ही जाता है, आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। अतः ये जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना ही न लिखा हो। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते हुए देखें तो यह भी इस बात का संकेत देता है कि आपको भविष्य में कहीं ना कहीं से गड़ा हुआ धन मिल सकता है। उसके अलावा यह भी कहा जाता है कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए देवी माता का मैं एक मंत्र आपको बता रहा हूँ, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ताय कश्यप कश्यप ईम स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जाप करना है। कुछ दिन बाद गड़ा हुआ धन कहाँ है इसकी जानकारी आपको स्वप्न में मिलने लगेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली चर्चा करते हैं, रावण संहिता में बताया गया है कि सपने सगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवरात से भरा हुआ चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है। कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि उनके लिए खजाना गाड़ कर गया है जो ये संकेत दे रहा है और यह आप ही के भाग्य में लिखा हुआ है। उसके अलावा रावण और वराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा हुआ धन मिलना लिखा हुआ है तो आपको एक सपना आएगा और इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है ना वहाँ पर सफेद नाग दिखाई देगा। इसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहाँ पर उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा था। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा भी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी मन में संशय हो कि इस जगह पर फलानी जगह पर गड़ा हुआ धन है और अगर आप उसका पता लगाना चाहते हैं बिना खुदाई किए हुए कि यहाँ पर असलियत में धन है या नहीं, तो उसका एक महत्वपूर्ण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर लकड़ी की एक चौकी रखें। जो लकड़ी की बाजोट होती है ना वो रखनी है और उसके ऊपर पान का पत्ता या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें, फिर हल्दी कुमकुम अक्षत और सुपारी रखकर दीप का दीपक जलाएं और इसा आपको 40 दिन तक लगातार करना है। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े हुए धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से संकेत मिल ही जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कंफर्म पता है कि इस जगह पर गड़ा हुआ धन है लेकिन उसकी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही है और आप उस धन को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि किस स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जाप करने के बाद किसी भी जानकार व्यक्ति से उक्त भूमि की शुद्धिकरण करवाई जाती है और वहां से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि अगर जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं और आपके कुल का सर्वनाश तक हो जाता है। इस बात का
आपको विशेष और महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। मित्रों, क्या होता है ना कि अधिकतर जहाँ कहीं भी गड़ा हुआ धन होता है ना, तो उस धन के भंडार को मंत्रों से बांधा जाता है। ऐसे में धन को प्राप्त करने के लिए किसी भी जानकार से मंत्रों को जानकर ही उस खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं कि ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत हो सकते हैं और प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र और मंत्र के द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते हैं। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना कुछ खतरनाक माध्यम भी बन जाता है। ऐसे में इस तरह के खतरनाक काम को अंजाम देने से पहले आपको एक उचित और योग्य गुरु की तलाश होना भी जरूरी है और अपने गुरुदेव के सानिध्य में इस तरह का काम करें जो तंत्र और मंत्र की सिद्धि से आपको वह खजाने की प्राप्ति दिला सकता है। और हालांकि इस तरह के गुरु 100 में से मात्र 2 ही मिलते हैं। ऐसे में आप धोखेबाज और ठगू लोगों से भी सावधान रहिए, क्योंकि जमीन में गड़ा हुआ धन हमेशा किस्मत से ही मिलता है। और मित्रों, या तो आपके पितर आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ही आपको गड़ा हुआ धन मिलता है। जबरदस्ती अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं ना, तो हमेशा उसका नुकसान ही मिलेगा, फायदा नहीं। तो मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों।